वो चलेगा ना, वो भी चलेगा, मदद करेगा ब्लॉग बनाने में, है ना। बिल्कुल, हम तो पाँच तो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है भाई, सही में मतलब टेस्टी लग रहे हैं, देखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भव्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग नंबर 7। जी हाँ, व्लॉग नंबर 7 देख रहे हैं। और आज के व्लॉग में हम लोग करने वाले हैं पतंगबाजी। और सच बता रहा हूँ, महंगाई बहुत हो गई, क्योंकि ये जो पतंग है ना, ये ढीली ढाली सी पतंग 5 रुपए की मिली है। मतलब तौबा तौबा, इतनी महंगाई। और अभी क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल करने बांधेंगे। थोड़ी बहुत मुझे आती है पतंग उड़ानी, थोड़ी बहुत मम्मी बता देंगी करने कैसे बांधेंगे, क्योंकि मैं हर साल भूल जाता हूँ। हर साल मैं उड़ानी सीखता हूँ और हर साल मैं कन्ने डालने सीखता हूँ, लेकिन हर साल मैं भूल जाता हूँ। तो आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल है कि कन्ने कैसे डालते हैं, उड़ाते कैसे हैं, और खूब सारा मजे करते हैं। पार्थ की छत पर जाकर उड़ाएंगे, जो क्रिकेट में हारा था, जो आपने क्रिकेट वाले व्लॉग में देखा होगा ना, नहीं देखा तो देख के आओ, व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और अभी उसी घर की छत पर जाएंगे, पहले इसमें कन्ने डालते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं। सो है अभी गो। सो अभी मैं आ गया पार्थ की छत पे, और ये मेरी छत है नॉर्मल, ठीक है, इसको टाप के आता हूँ वैसे मैं नॉर्मल डेज में, बट आज मैं पार्थ की परमिशन लेके आया हूँ। और रिश्वत के तौर पे मैंने इसको खिलाया 2 डार्क फैंटेसी, सिर्फ 2 डार्क फैंटेसी खिलाया इसने मेरे को। अभी जाके ये 2 और खाने वाला है, पता नहीं क्यों कह रहा कि अभी 2 और खाऊंगा, 2 और खाऊंगा हाँ, बट ये मेरी मदद करेगा, तभी मैं इसको खिलाऊंगा जब ये मेरे पूरी मदद करेगा व्लॉग बनवाने में, है ना। बिल्कुल, हम बीके व्लॉग्स की फैमिली में हैं। हाँ, बीके व्लॉग्स की। और हम जल्दी नाम चेंज करने वाले हैं, मैं कुछ एक नया नाम रखने वाला हूँ चैनल का। सो अभी वो पड़ी है मेरी पतंग, यहाँ पे दिख गई आपको, तो ये जो पतंग है अभी इसमें कन्ने डालेंगे और इसको उड़ाएंगे, ठीक है। आ जाना बेटा, कोई भी देख लेंगे, सबको देख लेंगे। It was at this moment that he knew he fucked up. So, ये है पतंग, और इसमें पहले करते हैं 4 छेद, ठीक है। ये पापा का टूथपिक होता है जो वो दांत मारता है, मैं पतंग में मारूंगा। तो ये देखो, ये मारा एक छेद थोड़ा नीचे, एक छेद थोड़ा ऊपर, और तो हमारे जो कन्ने थे वो बनके हो गए तैयार। ये देखो, ऊपर से बराबर, नीचे से बराबर, और ये जो मांजा है पिछले साल का था, इस बार का नहीं है। अब इस पतंग को बीच में सर मारो 2-4 बार, जिससे ये टेढ़ियों के ना आए। और ये पीछे हमारे दोस्त भी आ गए, देखो उसको देखा, हिमांशु है। और बहुत दुखद कहानी है इसके साथ, कभी बताऊंगा क्या दुखद कहानी है। और अब इसको हम उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो छत से नीचे धक्का दे देंगे, जैसे अक्सर दिया जाता है। One hour later. हाँ, राहु केतु के हिसाब से और हवा के हिसाब से हमने जगह बदल ली है ना, इधर दिखा दी। Much later. बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे, लेकिन उसके बाद मुझे एक चीज समझ आ गई, ये जो पतंग है ना, ये पतंग ही खराब है, अब इसको उड़ाना ही नहीं है ना। पर अब हम जा रहे हैं अब हम तीनों जा रहे हैं बाहर का कुछ खा पी के आ रहे हैं, और उसी का व्लॉग बना लेंगे भाई। पतंग तो हमसे उड़े नहीं, सच बात है, मतलब हवा भी। मैं इसलिए इनके साथ व्लॉग नहीं बनता, और तेरे वो जो दो थे क्या थे, डार्क फैंटेसी कैंसिल, चल अभी चुप कुछ खा के आ रहे हैं, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे आते आते मेरे को पार्थ ने एक आइडिया दिया बड़ा मस्त का, कह रहे तेरे वीडियोस पे मतलब तेरे व्लॉग्स पे व्यूज तो आ नहीं रहे, तो एक काम कर, हाउ टू ओपन अ डोर का व्लॉग बना, है ना। बात वो चलेगा ना, वो भी चलेगा, और हाउ टू क्लोज अ डोर वो भी चलेगा, हाउ टू सिट ऑन अ कार सीट ये भी चलेगा, है ना, हाउ टू इंक्रीज द वॉल्यूम ये सब भी चलेगा। तो बताना मेरे को ये सब करना चाहिए नहीं, और बंद करते कॉपीराइट आ जाएगा गाने चला रखे हैं। ओके, और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, और कुछ खाने का मतलब है चिली पोटैटो, क्योंकि सबसे सस्ती और सबसे भारी आइटम वही है। और ये सीट बेल्ट हमने लगाई है, आप लोग भी लगाया करो, क्योंकि चलान कट जाता है, सेफ्टी का हमें कोई लेने नहीं। सब सीधा मिलते हैं वहाँ पे, और हंस मत, चल। तो हम लोग आ गए हैं जहाँ हमें खाने आना था, सिंघाई फास्ट फूड, चाइनीज़ फास्ट फूड, यहाँ पे हम आए हैं KDV के पास में, कवि नगर में, और इसकी पेट शॉप है ना। जब भी ये खाने आता है यहीं खाने आता है, कह रहा है बहुत नंबर वन है, और लॉकडाउन में काफ़ी टाइम बाद खाना है, देखते हैं कैसा होता है ना। काफ़ी टाइम बाद खाने ये आए हैं, हाँ इसका चलता रहता है, कह रहा कोई रिस्क नहीं, होना होगा तो हो जाएगा, खाओ। ये इतना चुप चुप क्यों खड़े हैं, किसे ढूंढ रहा है, खिचड़ी करनी ढूंढ रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद ढूंढना है ना, तो देख रहे हैं, ये जिसको देख रहा है समझ जाना।
ये पहली एक ऐसी शॉप है जहाँ पे मतलब सारी स्पेलिंग 90% सही है, वरना कहीं पे चिल्ली पटेटो जाओ तो क्या होता। ओ नहीं यार, चिल्ली पटेटो की स्पेलिंग आ गई चिली क्रिप्सी क्रिप्सी चिली पटेटो वह चॉपसी देखो क्या क्या आता है, सोटी पटेटो सोटे पटेटो सोटे पटेटो इसे पता है, खाता रहता है ना। बेस्ट आइटम क्या है यहाँ पे? चिली पटेटो और स्प्रिंग रोल। चिली पटेटो स्प्रिंग रोल। तो भैया अगर कभी आओ आप कवि नगर की साइड तो ट्राई करना यहाँ पे, मतलब अच्छी है। और ये पीछे दिलबाग और रजनीगंधा भी है, उनको इग्नोर करना, मेन खाने पे फोकस करना। वैसे हैं चिली पटेटो देखो, तो जो चिली पटेटो बन के आ गए और ये देखो कैसे लग रहे हैं, बढ़िया पार्थ, बढ़िया है ये, बढ़िया है हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। ओके तो पार्थ तो बहुत लगा, इससे रुका भी नहीं जा रहा। तो पार्थ तो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है ना। पार्थ खा के बताओ कैसा है। पार्थ मतलब पार्थ को तो अच्छा ही लगता है तभी लेके आए यहाँ पे। वर्मा जी आप खाओ बताओ कैसा है। टेस्टी है, टेस्टी है। ओके एंड अभी मैं खाता हूँ और फिर देखते हैं कैसा है। तो भाई सही में मतलब टेस्टी लग रहे हैं, देखना यार। ओए होए 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 पार्थ कैसा है? बढ़िया बढ़िया। इसने अगर बढ़िया बोल दिया ना तो इसका मतलब चीज सच में बढ़िया है। तो यार ये बहुत बड़ा फूडी है वो तो तू है चलो मैं खा के देखो भाई ये रहा, चलो बैठो। और अभी इसमें मैं ये देखो ये हमारा इसमें फॉक ठीक है, और देखते हैं भाई लेट इट स्टार्ट। ये लाल चटनी में जो चिली सॉस होती है उसमें डिप किया मेयो में, और अब खाते हैं। मेरे सच में बहुत टेस्टी है, मजा आ सकते बहुत टेस्टी है, अच्छा है। एंड आओ आप कभी यहाँ पे कभी नगर की साइड, खाना मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा। एंड अभी खाते हैं, एंजॉय लेते हैं, बाद में बात करते हैं। सो हमने चिली पटेटो जो है खा लिए, काफ़ी स्पाइसी थे, हमारे सबकी हालत देख के देख सकते हो, पसीने आ गए। वर्मा जी स्वाद आ गया, स्वाद आ गया, बहुत मिर्ची लग रही है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, पतंग उड़ी नहीं बट पेट पूजा पूरी हो गई। एंड देखते हैं 15 अगस्त तक उड़ानी सीख लेंगे पतंग और तिरंगा उड़ाएंगे उस दिन। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यू गाइस स्टे होम स्टे सेफ एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारी जो 70% ऑडियंस है ना अभी भी मतलब नॉट सब्सक्राइब्ड है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड गेट रेडी टू सी द नेक्स्ट ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यू गाइस स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। It was at this moment that he knew. He fucked up.